वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी मेरी वीडियो देखना स्टार्ट की है, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। मेरी आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अमेरिका में मूव होने के बारे में सोच रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि जब भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होने के बारे में सोच रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हमें यही परेशानी होती है कि हमें हमारे कल्चर के हिसाब से वहाँ पे वो सामान, वो चीज़ें इजीली मिल सकेंगी कि नहीं मिल सकेंगी। ये देखिए जनाब, जितनी भी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं किचन से रिलेटेड, और ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और जितना भी इस स्टोर पे आपको सामान नज़र आएगा वो $1.25 का होगा, $1.25 का होगा ओनली। इसमें आपको सारी किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हम इंडिया पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसलिए इन चीज़ों से अपने बैग भरने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग भी मूव होने का प्लान कर रहे थे तो मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखी थी लोगों की, जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे थे या अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे थे। अब बिलीव करें, उन्होंने तो अपने जो है बैग में छोटी बड़ी इतनी चीज़ें रखी हुई थी, इतना सामान था, मैं कुछ नहीं लेके आई ना, मैंने इतना सामान इकट्ठा ही नहीं किया, हम ला ही नहीं सकते थे। तो दूसरा ये था, मैंने तो जस्ट बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, जो बेसिक चीज़ें थी वो इस्तेमाल की, मैंने कोई बर्तनों से अपना जो है वो इन चीज़ों से अपना बैग नहीं भरा। और मैं अब शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र है मैंने इन चीज़ों से अपना बैग नहीं भरा, क्योंकि ये पाकिस्तान से भी यहाँ पे उससे ज़्यादा चीप चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। आपको नज़र आ रहा है हर चीज़ इतनी सस्ती है, और ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है कि आप समझे कि मुझे कोई, और मेरा चैनल जो है इतना कोई ग्रो नहीं किया अभी ना कि मुझे लोग जो पेड प्रमोशंस करवाएं मुझसे। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग परेशान होते हैं जब वो मूव हो रहे होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और सामान के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या हम लेके जाएं और क्या हम छोड़ के जाएं। तो आप ये देख सकते हैं इस स्टोर पे आपको हर छोटी, ये इवन यहाँ पे जो मसाले हैं आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं जो हम देसी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, इस रैंक में सारे वो मसाले थे, ये यहाँ पे चीप पड़े हुए थे। मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मैंने देसी स्टोर से ये वाले मसाले, मुझे लग रहा था कि ये इन स्टोर्स पे जो अमेरिका के जो बाकी स्टोर्स हैं वहाँ से मुझे शायद नहीं मिलेंगे। इवन ये चावल तक ये देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये 1 kg का पैकेट था। तो मैंने स्टार्ट में आके वहाँ से जो है देसी स्टोर से ले लिए, वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े। देसी स्टोर जो है ना, हमें चीज़ें तो वहाँ से मिल जाती है लेकिन वो थोड़ी महंगी होती है। यहाँ पे आपको सारी क्रॉकरी नज़र आ रही है। क्रॉकरी के बारे में आपको बता दूँ कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। ये कप वगैरह आप देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ये रेड वाला देखें मग, कुछ लोग मग में चाय पीना पसंद करते हैं, वैसे मैं मग में पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप में से कौन कौन मग में चाय पीता है? चाय के शौकीन ही बताएंगे ये तो। अच्छा क्या, ये सारी प्लेट्स थी, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई थी। ये वाला बाउल चेक करें कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगा मुझे ना, बहुत अच्छा खूबसूरत सब बाउल था। अच्छा यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जितने भी ये ग्लास वगैरह थे ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे और डिफरेंट डिज़ाइंस में थे, कुछ छोटे बड़े जिस तरह का आप लाइक करते हैं, कुछ छोटे ग्लास इस तरह के, जो ये वाला ये अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। कोई इस तरह के ग्लास जो है वो पसंद करता है, जिस तरह के भी आपको पसंद है, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। ये इस रैंक में सारी आपको दालें नज़र आ रही हैं, और मुझे लगा कि मैंने काफ़ी महंगी ली थी देसी स्टोर से, तो इसलिए हम जो देसी लोग हैं वो आप लोग भी परेशान हो, ये अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे दालें वगैरह सारी अवेलेबल थी। तो देसी सामान भी इस स्टोर पे पड़ा हुआ था, जो हम मसाले और ये दालें इस तरह के इस्तेमाल करते हैं वो सारी यहाँ पे थी। ये जूसेस वगैरह थे और ये स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए। अब ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी मौजूद है, ये सारी जेली वगैरह इस तरह की, ये सारी बच्चों से रिलेटेड थी जो बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा हम मुस्लिम्स का ये भी होता है कि ये पता नहीं हलाल है हराम है। जब मैं स्टार्ट में आई तो पास ही इधर एक पार्क था, मैं बच्चों को वहाँ पे लेके गई, वहाँ पे मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त बनी जवेरिया। अच्छा मैंने उसको ये बताया कि जब हम लोग किसी स्टोर पे जाते हैं ना, हम कंफ्यूज होते हैं कि ये हम अपने बच्चों को ये चीज़ें दे दें खाने के लिए कि ना दें।
तो उसने हेल्प की, मुझे वैसे पता नहीं था। इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि एक हलाल फूड ऐप है, अगर हम वो कर लें और स्टोर पे हम खड़े होते हैं उसी वक्त उसको स्कैन करें तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि ये हलाल प्रोडक्ट है कि हराम प्रोडक्ट है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी मुस्लिम्स के लिए ना, क्योंकि वो ऑल टाइम इन स्टोर्स पे जाके इसी तरह के कन्फ्यूजन में मुब्तला रहते हैं कि हलाल है कि हराम। इस स्टोर में आपको मेकअप से रिलेटेड भी सारी तकरीबन चीज़ें मिल जाएंगी ना। यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट थी, काफ़ी इसमें वैरायटी थी आपका मेकअप से रिलेटेड और लिप ग्लॉस और नेल कलर्स वगैरह, काफ़ी यहाँ पे इन प्रोडक्ट की जो है वो वैरायटी मौजूद थी। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है इसको साइड पे रख के ना लाइनर लगाने के लिए होती है ये वाली स्टिक्स वगैरह ना। कौन कौन इसको यूज़ करता है और देखिए इसमें कितने ज़्यादा ये स्टिक्स मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मेडिसन्स हैं, पूरा रैंक आपकी बेसिक जो मेडिसन्स हैं उसका है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए सारा सामान। ये देखिए जॉनसन के बेबी लोशंस, शैम्पू वगैरह सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। और आप ये देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान में ये कितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। ये $1 की, $125 की बिल्कुल भी वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे ये था। रैपिंग शीट वगैरह भी आपको नज़र आई हैं कि वो भी यहाँ पे अवेलेबल है स्टोर पे। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जी हैंगर वगैरह और वॉशरूम से रिलेटेड है सामान, सफाई का जितना आपको सफाई के लिए सामान चाहिए वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सॉक्स वगैरह, ये बच्चों के और बड़ों के सारे सॉक्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और इनकी जो है वो क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर थी, अच्छी क्वालिटी के थे। और शैम्पू, लोशन, हेयर ब्रश, ये सारी प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि आपको वॉलमार्ट और इस तरह की बड़े स्टोर्स पे आपको एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ेंगी, और ये काफ़ी चीप प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे जितनी वगैरह स्प्रे वगैरह सफाई का सामान था, डिटर्जेंट वगैरह बर्तन धोने के लिए सामान वगैरह चाहिए होता, कपड़े धोने के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारा सामान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में मौजूद था। और ये देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे हैं। और इसमें सारा आपको ये आगे डेकोरेशन का सामान भी नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पे बड़ी अच्छी चीप प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल है। ये सामने देखिए ये जार कितने खूबसूरत है, इस तरह का एक जार लें और जार में आप डालें फ्लावर्स यहाँ से लेके, इतना खूबसूरत सा आपका एक डेकोरेशन पीस रेडी हो जाएगा। बाकी भी ये आपको काफ़ी अच्छे से जो है वो जार वगैरह नज़र आ रहे हैं। घर के डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैरायटी मौजूद थी। यहाँ भी आपको बच्चों की चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ भी थे, टॉयज़ की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी मौजूद थी। यहाँ पे कार्ड्स को देख के ना हमें अपना बचपन का वो वक्त याद आ गया है, जब हम ईद विश किया करते थे कार्ड के ऊपर एक दो शेर लिखा करते थे और अपनी दोस्तों को जो है गिफ्ट के साथ कार्ड दिया करते थे। अच्छा, कमेंट में लाजमी बताइएगा किस किस ने ये इस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इस तरह विश किया करते थे, कौन कौन ऐसा करता था। अमेरिका में तो अभी तक ये ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ, लोग कोई किसी को गिफ्ट भेजते हैं कार्ड साथ लाजमी अटैच करते हैं। यहाँ भी आपको बैंगल्स नज़र आई हैं, तो ये देखिए यहाँ से बैंगल्स भी मिल जाते हैं बच्चियों के, कितने प्यारे यहाँ पे टॉयज़ हैं, डोल वगैरह, कितनी खूबसूरत यहाँ पे सामान था। और यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो बड़ा खूबसूरत सा अवेलेबल था। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाता है सारा डिस्पोजिबल सामान है, जितने भी आपको प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, जो टेबल शीट्स थी, सारा वहाँ पे जो है वो डिस्पोजिबल सामान था। अच्छा, इस स्टोर पे इतना सामान था, इतनी वैरायटी थी कि मैं इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि 2 घंटे भी मुझे वीडियो बनानी पड़ती ना तो वो भी कम पड़ते। अमेरिका के हर स्टोर में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो भी इनका फेस्टिवल चल रहा होता है उससे रिलेटेड इनके पास एक अलग ही रैंक में बहुत डिफरेंट सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको ये देखिए टेबल कवर उससे रिलेटेड आपको ये प्लेट्स कप वगैरह और डेकोरेशंस की चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में आपको मिलेंगी। इसके साथ ही आपसे अब हम लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज़ 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 लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।